गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास। प्यारे बच्चों, कल हमने चैप्टर 9 पढ़ा था। आई होप यू अंडरस्टैंड द मेडिवल पीरियड एंड द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन विच टेल अस अबाउट द इंसिडेंट्स गोइंग थ्रू दिस पीरियड। सो टुडे वी विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 10, द राइज ऑफ स्मॉल किंगडम इन नॉर्थ इंडिया। बेटा, नॉर्थ इंडिया में जो स्मॉल किंगडम्स राइज हुए थे उनकी हिस्ट्री हम मेडिवल पीरियड के अंदर रीड करेंगे, क्योंकि ये नए जो स्टेट थे वो मेडिवल पीरियड में यानी कि 8th सेंचुरी के आसपास बने थे। और नॉर्थ इंडिया के इस चैप्टर में रीड करेंगे और साउथ इंडिया के स्मॉल किंगडम्स हम नेक्स्ट चैप्टर में रीड करेंगे। तो नॉर्थ इंडिया में लास्ट रूलर था बेटा, जब मेडिवल पीरियड की स्टार्टिंग हम मानते हैं उस वक्त जो डायनेस्टी यहाँ रूल कर रही थी नॉर्थ इंडिया में, उस डायनेस्टी का नाम क्या था बेटा? वर्धन डायनेस्टी। और इसका लास्ट रूलर था हर्षवर्धन। हर्षवर्धन जो था वो एक ग्रेट रूलर था, एशियंट हिस्ट्री में माना जाता है उसको, मोस्ट पावरफुल था। और आफ्टर हिज डेथ द होल एम्पायर डिसइंटीग्रेटेड इंटू मैनी स्मॉल किंगडम्स। और डेथ के बाद उसकी, जैसे ही उसकी 647 CE में डेथ होती है, तो उसकी डेथ के बाद जो उसका एम्पायर है वो छोटे छोटे जो है स्मॉल किंगडम्स में डिसइंटीग्रेट, मीन्स क्या होता है, डिवाइड हो जाता है, अखंडित हो जाता है, बट जाता है। किस वजह से? ड्यू टू द मिजरेबल इकोनॉमिक कंडीशन और लैक और प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन बाय हिज वीक सक्सेसर्स। डेथ हो जाती है राजा की और उसके बाद एम्पायर जो है डिवाइड हो जाता है। अब क्यों ऐसा होता है? मिजरेबल इकोनॉमिक कंडीशंस, जो आर्थिक स्थिति थी उस वक्त एम्पायर की वो वेरी पुअर थी, और जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो भी कंट्रोल करने में जो हर्षवर्धन के सक्सेसर्स थे, उसके आगे बच्चे थे, वो पुअर थे, वीक थे, कंट्रोल नहीं कर पाए इतनी बड़ी जो है डायनेस्टी को। दिस वाज अ पीरियड ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन नॉर्थ इंडिया। तो राजा हर्ष की डेथ के बाद जो पॉलिटिकल कंडीशन थी इंडिया की, नॉर्थ इंडिया की, वो इनस्टेबल थी, अस्थिर थी, कंट्रोल करने वाला कोई नहीं था। और इसका जो एडवांटेज था वो वहाँ के लोकल रूलर्स जो कभी इस डायनेस्टी के अंडर थे, उनकी कंट्रोल में थे, वो इंडिपेंडेंट हो गए बेटा, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया कि राजा जो था हर्ष, उसकी डेथ हो जाती है और उसके बच्चे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, उनमें इतनी पावर ही नहीं है कि वो उनके जो युद्ध थे उनका सामना कर पाते। तो जो लोकल रूलर्स थे छोटे छोटे एरियाज़ के अंदर, उन्होंने क्या किया, अपने इलाकों में इंडिपेंडेंस क्लियर कर दी कि हम जो हैं इस डायनेस्टी के अंडर नहीं है, हम इंडिपेंडेंट रूलर हैं। तो ये थी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अब इसमें से जो 3 पावरफुल किंगडम थे वो 750 CE, मीन्स क्या था बेटा, कॉमन एरा, एंड 1000 CE, यानी इसके बीच का जो टाइम पीरियड है उसमें जो राजा हर्ष था उसका जो एम्पायर था वो रुइन क्या आता है बेटा, नष्ट हो जाना, तबाह हो जाना, ख़त्म हो जाना, रुइन ऑफ हर्ष एम्पायर। और दिस पीरियड इज आल्सो नोन एज दी एज ऑफ 3 एम्पायर्स, यानी उसका हर्ष का एम्पायर ख़त्म हो गया और उसकी जगह पर जो बड़े एम्पायर्स थे वो 3 एम्पायर्स के नाम से इस टाइम पीरियड को जाना जाता है। अब वो कौन से 3 एम्पायर थे वो हम मैप में अंडरस्टैंड करेंगे। राष्ट्रकूट थे, पालास थे और प्रतिहारास। दीज आर द 3 एम्पायर्स अमर्जिंग आफ्टर द डेथ ऑफ हर्ष। लुक एट द मैप, पालाज सिचुएटेड इन द ईस्ट साइड ऑफ नॉर्थ इंडिया। बेटा मैं दिखाती हूँ आपको, दिस एरिया वॉज कंट्रोल्ड बाय द पालाज एंड दिस एरिया विच इज प्रेजेंटली सिचुएटेड इन महाराष्ट्र स्टेट एंड सम पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश। तो राष्ट्रकूटास जो थे यहाँ पर इस्टेब्लिश हो गए, और जो तीसरे थे प्रतिहारास, ये राजपूत थे बेटा, ये
राजस्थान और गुजरात यहाँ पर इस्टेब्लिश हो गए। कब इस्टेब्लिश हुए? आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षवर्धन। हर्ष जो था बेटा वो कहाँ का राजा था? है तो नॉर्थ इंडिया में था, लेकिन उसकी जो कैपिटल थी वो यहाँ पर कुरुक्षेत्र में थानेश्वर। कहाँ का राजा था वो? थानेश्वर। और ये सारी जो एम्पायर थी इसके कंट्रोल में थी, राजा हर्ष के पास बेटा। अब जब इसकी डेथ हो जाती है तो स्मॉल किंगडम्स कौन से बने? पालाज, राष्ट्रकूटाज, ये कास्टें हैं, प्रतिहाराज। क्लियर हो गया सब बच्चों को बेटा? तो हर्ष की डेथ के बाद जो एम्पायर्स अमर्ज हुए उनको थ्री एम्पायर्स के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रकूटाज टुक ओवर द कंट्रोल इन नॉर्थ पार्ट ऑफ डेक्कन यानी महाराष्ट्र के आसपास, और पालाज जो थे वो ईस्टर्न इंडिया में बंगाल बिहार ये वाले एरियाज आ जाते हैं जो आज प्रेजेंट में स्टेट्स हैं बेटा, उस स्टेट्स के अंदर इनके जो थी टेरिटरी थी पालाज की। और जो प्रतिहाराज थे ये राजस्थान और गुजरात में इन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश किया। द थ्री मेन किंगडम्स दो कंटिन्यूसली अंगेज इन वॉर्स। अब ये भी नए नए राज्य बने थे और इनको भी क्या ग्रीड थी कि ये अपनी एम्पायर को और ज़्यादा बढ़ाएं, तो ये अपनी इसी एम्बिशंस की फुलफिलमेंट के लिए क्या किया इन्होंने, ये आपस में ही युद्धों में उलझे रहे। दे वर सक्सेसफुल इन प्रोवाइडिंग स्टेबल एडमिनिस्ट्रेशन। इन्होंने अपने टाइम पीरियड में अपने एम्पायर के अंदर स्टेबिलिटी रखी यानी कि अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन किया, लोगों के लिए भी काम किए, विच हेल्प्ड इन द प्रोग्रेस ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर, जिसकी वजह से 750 से लेकर 1000 CE के बीच में बेटा बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुई आर्ट और लिटरेचर के अंदर। लेट्स स्टडी देम वन बाई वन। तो हम अब सबसे पहले राष्ट्रकूटास के बारे में पढ़ेंगे, इनके जो एरियाज हैं जो इनके आगे बेटा सक्सेसर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वन वर्ड के क्वेश्चंस बनते हैं उसमें, तो आप इसको साथ साथ नोट करेंगे। द राष्ट्रकूटास इस्टेब्लिश्ड द मोस्ट पावरफुल एम्पायर इन नॉर्दर्न डेक्कन। डेक्कन का यानी कि MP भी थोड़ा जो है आ जाता है बीच में, महाराष्ट्र का भी कुछ एरिया आता है, तो राष्ट्रकूट जो थे वो मोस्ट पावरफुल थे इस एरिया के अंदर। और इनकी जो स्टार्टिंग थी वो कब से मानी जाती है? 753 CE। दे केम द मास्टर्स ऑफ अ लार्ज एरिया ऑफ द प्रेजेंट गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। इतनी जो स्टेट्स थी वो इनके एम्पायर के अंदर आती थी, इसलिए इनको क्या बोला गया? मोस्ट पावरफुल। दियर एम्पायर एक्टेड एज अ ब्रिज बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया। ये देखो ये मिडल में है, मैप में हमने देखा कि मिड में थे, तो ये एक पुल का काम करते हैं, ब्रिज का। ये नॉर्थ इंडिया में भी इजिली जा सकते थे, साउथ इंडिया में भी इजिली युद्ध कर सकते थे बेटा। यस, दंती दुर्ग इज कंसिडर टू बी द रियल फाउंडर ऑफ द राष्ट्रकूट एम्पायर्स। राष्ट्रकूटा जो पावरफुल किंगडम हुई है उसका सबसे शक्तिशाली राजा कौन था बेटा? दंती दुर्ग। अंडरलाइन दिस पॉइंट, दंती दुर्ग इज कंसिडर्ड द रियल फाउंडर ऑफ द राष्ट्रकूटा एम्पायर। राष्ट्रकूट एम्पायर का जो फाउंडर माना जाता है वो कौन था बेटा? दंती दुर्ग। यानी इसने राष्ट्रकूट जो एम्पायर थी उसकी स्थापना की थी। गोविंद थर्ड एंड अमोघ वर्ष टाइम पीरियड दिया हुआ इनका बेटा, 840 से लेकर 880 CE तक। वर द वेल नोन राष्ट्रकूटाज किंग्स, ये इसके सक्सेसर्स हुए हैं आगे, गोविंद थर्ड और अमोघ वर्ष। द राष्ट्रकूटाज वर ग्रेट वॉरियर्स, ये इनकी फीचर है कि वो ग्रेट वॉरियर्स थे, योद्धा थे, आर्ट लवर्स थे और स्कॉलर्स, यानी कि इनके टाइम में बहुत सारा लिटरेचर भी लिखा गया, इसलिए इनको विद्वान बोला गया, स्कॉलर्स। दे टुक अप टाइटल,
इतने पावरफुल थे, अभी वॉरियर बोला है हमने, योद्धा थे, इसलिए जब ये युद्ध जीत कर आते थे तो इनकी जो प्रजा थी वो इनको क्या देती थी, सम्मान, और उस सम्मान में इनको टाइटल दिए जाते थे। वो टाइटल क्या थे, चक्रवर्ती, महाराजा धीराज एंड परम भट्टारक। ये जो है पॉइंट आपने अंडरलाइन करने हैं बेटा। क्या टाइटल लेते थे ये बेटा, क्योंकि जब राजा युद्ध जीत के आता था ना, उसकी प्रजा खुश होके उसको नाम देती थी, तो चक्रवर्ती यानी कि चारों दिशाओं का विजेता, महाराजा धीराज, सब राजाओं का राजा, महाराजा धीराज और परम भट्टारक। तो ये जो टाइटल्स थे ये इनको मिले हुए थे। दे मेंटेन ह्यूज आर्मीज एंड इंक्रेज ट्रेड एंड द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द पीपल। उन्होंने क्या किया, युद्ध भी किए और बड़ी आर्मी यानी एक विशाल सेना तैयार की, व्यापार को भी बढ़ावा दिया, एंकरेज किया ट्रेड को, और लोगों की जो इनकम थी ऑक्यूपेशन से उनको भी बढ़ावा दिया। राष्ट्रकूटास फॉलोड जैनिज्म, ये जैन धर्म को मानते थे, बट आल्सो पैट्रोनाइज बुद्धिस्ट हिंदू एंड मुस्लिम्स। जैन धर्म इनका अपना धर्म था, लेकिन पब्लिक के लिए कोई कंपलसरी नहीं था कि वो भी जैन धर्म को माने, वो पैट्रोनाइज्ड थे यानी कि दूसरे धर्मों के भी संरक्षक थे, यानी राजा जो था अगर उसकी इच्छा होती तो वो प्रजा पे भी उसी धर्म को थोपता कि आप भी जैन बनो, जैन धर्म को अपनाओ, बट वो क्या थे, बेनवोलेंट, ठीक है, वो रिलीजियस माइंडेड थे और अदर रिलीजन्स को भी उतनी ही रिस्पेक्ट देते थे, वो संरक्षक थे, पैट्रोनाइज थे। हिंदू, बुद्धिस्ट और मुस्लिम उनके एम्पायर में बिल्कुल इजीली अपने रिलीजन को फॉलो कर सकते थे। राष्ट्रकूटा रूलर्स वर ग्रेट पैटर्न्स ऑफ आर्ट एंड लर्निंग। ये राष्ट्रकूटा जो थे वो पैटर्न्स क्या होते थे, ये भी संरक्षक होता है, यानी कि वो आर्ट और लर्निंग के को भी उन्होंने बढ़ावा दिया। दिस रूल सा द फ्लोरिशिंग ऑफ रीजनल लिटरेचर। इनके टाइम में क्या हुआ, जो लिटरेचर था वो लिखा गया, साहित्य लिखा गया यानी बुक्स लिखी गई। रॉक कट टेम्पल्स इन्होंने बनाए, एलोरा और अजंता की जो केव्स हैं बेटा वो महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर में है, जो आप पिक्चर में भी देख रहे हो। रॉक कट नाम क्या है बेटा, रॉक कट यानी पत्थर को काट कर इन्होंने मंदिर बनाए, जो हिंदुओं से संबंध रखते थे, बुद्धिस्ट थे, जैन थे, ये जो थे प्रूफ ऑफ द रिलीजियस टॉलरेंस ऑफ राष्ट्रकूटा, यानी इनके टाइम में बुद्ध धर्म से रिलेटेड, जैन धर्म से रिलेटेड और हिंदू धर्म से रिलेटेड जो थे मूर्तियाँ बनाई गई, टेम्पल बनाए गए, और ये प्रूफ करते हैं कि वो धार्मिक सहनशील थे, उनमें धार्मिक सहिष्णुता थी। टॉलरेंस क्या आता है, यानी कि दूसरे धर्मों को भी सहना, ठीक है, दूसरे धर्म के प्रति भी उतनी ही रिस्पेक्ट रखना जितने अपनी धर्म के प्रति होती है बेटा। किंग अमोघ वर्षा हिमसेल्फ वाज अ ग्रेट लवर ऑफ संस्कृत। अमोघ वर्ष जो थर्ड सक्सेसर था, ठीक है बेटा, उसने, वो भी क्या था, संस्कृत का एक विद्वान था, संस्कृत उसको अच्छे से आती थी, तो इसलिए उसने संस्कृत में बहुत सारी जो ग्रंथ थे वो लिखवाए थे, जिसमें क्या लिखवाया था उसने, ही रोड कवि राज मार्ग, वन ऑफ द अर्लीस्ट वर्क्स इन कन्नड़ पोइट्री। कन्नड़ लैंग्वेज में उसने जो है कवि राज मार्ग उसके टाइम में एक ग्रंथ लिखा गया, और बाय द एंड ऑफ द 10th सेंचुरी द चालुक्यास क्रस्ट द पावर ऑफ राष्ट्रकूटास। अंडरलाइन करें, इनकी पावर को जो है क्रश किसने किया था बेटा, चालुक्यास ने, किसने क्रश किया था, चालुक्यास, ये लाइन कर लें अंडरलाइन। राष्ट्रकूटास की शक्ति को किसने नष्ट किया, चालुक्यास, और ये कहाँ पर थे, उसके बाद इन्होंने जो राष्ट्रकूट राष्ट्रकूट का एम्पायर था उसको कंट्रोल किया था बेटा। नेक्स्ट डायनेस्टी आ जाती है पालास, जो किंगडम थे, सेकंड किंगडम पढ़ेंगे पालास, हमने मैप में देखा था ना, ये ईस्ट साइड में था इंडिया की। वेरी लिमिटेड इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल अबाउट द हिस्ट्री ऑफ बंगाल। हिस्ट्री जो है बंगाल की बहुत ही बेटा लिमिटेड है, उसका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इतने नहीं है। बिटवीन द डेथ ऑफ फरशाह एंड द सेंडिंग ऑफ पालाज, बट इट इज़ वेल नोन दैट ड्यूरिंग दिस टाइम बंगाल फेज ए लॉट ऑफ इन फाइटिंग्स अमंग
द स्मॉल किंगडम्स। राजा हर्ष की डेथ और असेंडिंग द पाला, यानी पाला जब राजगद्दी उन्होंने संभाली तो उसके बीच का जो इतिहास है उसकी जानकारी नहीं है। और जो है बंगाल, जो भी इतिहास जो भी सोर्स मिलता है वो हमें इसका इतिहास जो भी बताता है उसमें हमें पता चलता है कि इन स्मॉल किंगडम्स में बहुत सारा इन फाइटिंग्स क्या होती हैं, लड़ाइयाँ हुई। पीपल ऑफ बंगाल इलेक्टेड गोपाला एज दियर किंग। तो यानी कि पालाज डायनेस्टी की नींव किसने रखी, हु वाज द फाउंडर ऑफ पाला डायनेस्टी, नेम इज़ गोपाला। ये किंग था, उसने पीस और ऑर्डर को मेंटेन किया। ही सेट अप एन एम्पायर विच रूल्ड ओवर फॉर अबाउट 400 ईयर्स। तो ये भी पावरफुल है जिसने 400 साल इस डायनेस्टी को चलाया बेटा, यानी गोपाला इतना पावरफुल था, उसके सक्सेसर्स भी पावरफुल थे, जिसकी वजह से जो पाला डायनेस्टी थी वो 400 साल राज कर गई बेटा। ही सक्सेसर यूज पाला आफ्टर दियर नेम एंड हैंस दियर एम्पायर केम टू बी नोन एज पाला डायनेस्टी। अब इसके जो सक्सेसर्स थे उनके पीछे जैसे गोपाला, ये पाला जो है वर्ड लगाया जाता है, इसलिए इनकी जो एम्पायर थी वो इनके नाम से ही फेमस है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट जो पैरा है धर्मपाला, देखो इसके पीछे भी पाल लिखा हुआ है। धर्मपाल वाज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ पाला डायनेस्टी। ही सेट अप ए सेंटर फॉर बुद्धिस्ट एजुकेशन विच वार नोन एज विक्रमशील विहार। ये एक यूनिवर्सिटी थी, उसने एक एजुकेशन सेंटर बनाया था धर्मपाल ने, और पावरफुल और ग्रेटेस्ट रूलर रहा है, ठीक है, ग्रेटेस्ट की इसको टाइटल मिली हुई है, यानी इसने पब्लिक के लिए अच्छे काम किए इसलिए इसको ग्रेट रूलर बोला गया, बैड रूलर नहीं बोला गया। ही सन देव पाल, उसका आगे बेटा देखो देव पाल, ये भी पाल है, इसलिए इनकी डायनेस्टी जो है ना पाल डायनेस्टी के नाम से ही जानी जाती है बेटा। एक्सटेंडेड द पाल एम्पायर एंड आल्सो डिफीटेड द हुंस। इसने जो उसका सन था वो भी पावरफुल था, वॉरियर था, उसने अपनी एम्पायर को बढ़ाया और डिफीट किसको किया, हुन जाति को। हर्षवर्धन की डेथ के बाद ना जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुई उसका एडवांटेज किसने उठाया था, ये इन्वेडर्स थे जो कहाँ से आए थे, फॉरेन से, दूसरे देशों से हुन जाति के लोग आए और उन्होंने नॉर्थ इंडिया के ऊपर जो है युद्ध किया, और इनको किसने हराया था, पालाज ने बेटा। द एंड ऑफ दिस पीरियड अशर्स द डिक्लाइन ऑफ पालाज। इस डायनेस्टी का अंत भी ऐसे ही होता है जब इसके रूलर जो हैं वो वीक हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, और ये डायनेस्टी भी ख़त्म हो जाती है बेटा। पालाज रूलर्स वर द फॉलोअर्स ऑफ बुद्धिज्म, मैनी स्कॉलर्स वर सेंट टू डिस्टेंस कंट्रीज। जैसे ये आर्ट लवर्स थे, स्कॉलर्स थे, तो इन रूलर्स ने बुद्धिज़्म जो है उसको बढ़ावा दिया, जो उसके फॉलोअर्स थे। मैनी स्कॉलर्स वर सेंट टू डिस्टेंस, यानी इसके जो शिष्य थे बुद्ध धर्म के, उनको बुद्ध धर्म के प्रचार के लिए प्रसार के लिए बहुत दूर दूर इलाकों में भेजा और बुद्धिज़्म को स्प्रेड किया। दे आल्सो गेव जेनरस ग्रांट टू ब्राह्मण्स टू बिल्ड टेम्पल्स। इन्होंने जो है दान भी दिए हिंदुओं को जो ब्राह्मण थे, ताकि वो मंदिर बना सकें। और पालाज वर द ग्रेट पैटर्न्स ऑफ आर्ट एजुकेशन एंड लिटरेचर। इनके टाइम में भी आर्ट एजुकेशन और लिटरेचर को बहुत ज़्यादा जो है बढ़ावा मिला, ठीक है। और डू यू नो, में देखे बेटा, वेस्ट बंगाल वाज नोन एज गोडा एंड ईस्ट बंगाल इज विंगा। ये उस टाइम की बंगाली लैंग्वेज है जिसको आज हम वेस्ट बंगाल कहते हैं, इसके अलग अलग नाम थे। फेमस नालंदा यूनिवर्सिटी वाज रिवाइव ड्यूरिंग द पाला एम्पायर। जो हमारी इंडिया की ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है नालंदा, उसका जो स्टार्टिंग थी इनके टाइम में ही हुई थी, पाला एम्पायर्स के टाइम में था। बिहार में है वैसे तो नालंदा। नेक्स्ट है प्रतिहारास, ठीक है। इस टॉपिक को बेटा हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है पढ़ेंगे बेटा, ये आप यहीं तक नोट कर लें और इसके जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरनल वो बनाएंगे, ठीक है बेटा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको जो है लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइबर जो है ज़रूर बढ़ाएं बेटा, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।